इंसान है और इंसान है तो जरूरतें हैं। ये जरूरतें जो बदलते वक्त के साथ हरी जात की जननी बनी, तो सुविधाएं समाज में स्तर का पैमाना और इंसानी फितरत में स्टेटस सिंबल बनी। इसी सोच ने इस होड़ में सबसे आगे लाकर खड़ा भी कर दिया और इसी तकनीक का ही असर है कि इंसान की तर्ज जिंदगी को सिकोड़ कर रख दिया गया है, समझ के तरीके और सोच के नजरिए को तंग कर दिया है और इंसान अपनी ये जिंदगी दशकों और सदियों के फासले पर पीछे छूटे समाज से जुदा पा रहा है। ये जमाना तंगी दिली के साइड इफेक्ट से भी जूझ रहा है। तकनीक के हाईवे पर इंसान ऐसे सर पर दौड़ लगाने लगा है कि जिंदगी के हर पहलू, इंसानियत का हर तकाजा और मानवता के हर मूल्य अब तकनीक के कलपुर्जों और तकनीकी भाषा में लिखित फॉर्मूलों और कंप्यूटर के शॉर्टकट कमांड की तरह बदले और इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। सुविधा पसंद बन गया है इंसान, अब अपनी जरूरतों को और खुद अपने आप को तकनीक के मुताबिक बदलने लगा है और इसी का हामी बन गया है। स्मार्ट दिखने का दौर है, स्मार्टफोन का जमाना। हाई हेलो की संस्कृति हावी हो गई है, चिट्ठी पत्री का तो दौर यादों की बारात बनकर विदा हो चुका है। नए दौर की ये नई जवानी जिसने इस तकनीक के दौर को सीखने और स्वीकार करने के विकल्पहीन सफर में कितनी ही ठोकरें खा चुकी है, वो खतरों से अनजान अपनी मासूम औलादों के स्मार्टफोन पर उंगलियां फेरने और फोन को चलाने के एक दो कदम के लड़खड़ाते सफर को अपनी बड़ी कामयाबी समझने लगा है और इस पीढ़ी को उम्मीद भरे चमकते सूरज की तरह देख रहा है। लेकिन ये इस तकनीक के खतरे से अनजान है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में मासूम बना है, जबकि ये महसूस भी करता है कि मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर तक ने जिंदगी और जिंदगी के ढरे को काफी हद तक सीमित और सुस्त कर दिया है। ऐसा नहीं कि नई तकनीक और स्मार्टफोन ने पारंपरिक जिंदगी के जंगलों को काट कर वीरान ही बनाया है, इसने कितने ही बिछड़ों को मिलाया है, दुनिया वक्त के दराज को भी कम किया है। स्मार्टफोन में समाहित सोशल मीडिया और सुविधाओं के खजाने ने कई तरह की आसानियां ऐसी भी पैदा की हैं जिनकी वजह से जमाने की रफ्तार सदियों के पिछले पर ठिठकी जिंदगी को वक्त के रेसिंग ट्रैक पर आगे ला खड़ा किया है, जो अब तक का सबसे रफ्तार भरा कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था और कारोबार को इसकी वजह से जो उड़ान मिली है, शायद ही पिछली सदियों की कोई कोशिश ये मुकाम बख्श पाती। कंप्यूटर ने कुछ हाथों के काम छीने तो कई हाथों को रोजगार की रवानगी भरी गंगा भी दे दी है। हाँ, इतना जरूर है कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन जो सुविधा के लिहाज से इंसानी दिमाग की फितरत से वजूद में आए थे, ये वही फोन और कंप्यूटर इंसानी तर्ज जिंदगी को अपनी सोच सुविधा के मुताबिक बदल भी रहे हैं, ये विडंबना है।